जब पूछा गया दिल्ली से, तो दिल्ली ने कहा कि ये उनके धैर्य की परीक्षा थी। माफ कीजिएगा, ये कोई धैर्य की परीक्षा नहीं थी। कायर था कि बीज बो दिए थे आपने उन लोगों के पैरों में, कंधे पे राइफल, सर पे हिंदुस्तान की टोपी होने के बावजूद वो तमाचे खाते हैं। हमारी राजनीति इतनी कमजोर हो गई। पिछले वर्ष कोटा के मंत्री ने कह दिया था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, विद्यालय का कार्यक्रम है, कोटा के मंत्री से विधवाओं का प्रतिनिधिमंडल मिलने पहुंचा तो उसने ये कह दिया कि 10-10 लाख रुपए दे तो दिए। जिस व्यक्ति ने अपनी जान दे दी देश के लिए, उसकी जान की कीमत 10 लाख रुपए से लगा दी आपने, सिर्फ 10 लाख रुपए। तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, यानी कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओ को। लो, मैं 20 लाख देता हूं उत्तम किस्मत के हेटों को, और हिम्मत हो तो मंत्री भेजा लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत हो तो मंत्री भेजा लड़ने अपने बेटों को। कृषि मंत्री बिहार के, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ वर्ष पूर्व हेमराज का सर कटने आया था, आपको ध्यान हो तो, सर नहीं था उसका, बिना सर की बॉडी आई थी, सर ले गए पाकिस्तानी। मेरे दोस्त ने पूछा कि यार उसने क्या किया होगा पाकिस्तान में भाई, सर का जवाब सुनना चाहो। पाकिस्तान अपनी कायर फौज को दिखाना चाहती थी कि हिंदुस्तानी सैनिक का सर कैसा होता है, जो कट तो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, कट जाएगा वो झुकेगा नहीं। कृषि मंत्री, मीडिया ने कृषि मंत्री से ये कहा कि अंतिम बार बैठे आए हैं, नमन कर लो। कृषि मंत्री कहता है ना तो महीने की तनख्वाह देती थी गवर्नमेंट। ये बिहार के कृषि मंत्री का स्टेटमेंट बता रहा हूं आपको। जिस किसी को मेरे प्रशासन को कार्यक्रम के बाद मेरे से मिलना, मैं कटिंग दिखा दूंगा। बिहार का कृषि मंत्री ये कहता है कि उन्हें तो मरने की तनख्वाह देती थी गवर्नमेंट, और वो बिहार के अखबार में छापी जाती चीजें। सियासत का नशा सिमटों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है, और सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी थी, तवायफ तक किसी मौके पर घुंघरू तोड़ देती है, तवायफ तक किसी मौके पर घुंघरू तोड़ देती है। प्राचीन राजनीति और आज की राजनीति में अंतर करता हूं। मैंने मेरी कविता में किसी देशभक्त का नाम नहीं लिया कभी जिंदगी में। 8 वर्ष हो गए मैंने किसी देशभक्त का नाम नहीं लिया। एक का 8 वर्ष पहले भी लिया था और आज भी लेता हूँ। कुर्सी भूखी है नोटों के थैलों की, कुर्सी भूखी है नोटों के थैलों की, कुलवंती दासी हो गई रखेलों की, घटी आंगन हो गई घनी खेलों की, आज जरूरत है सरदार पटेलों की, आज जरूरत है सरदार पटेलों की। मैंने घर पहले कभी सुन लिया था, सुन लिया तो बहुत पहले सुना था कि हिंदुस्तान पुरुष प्रधान देश है, लेकिन आज के कार्यक्रम की गवाही देते हुए मैं कह सकता हूँ कि स्त्री प्रधान देश है। मेरी बहनें,